रामनवमी पर गुरुवार को दोपहर 2 बजे श्री राम जन्मोत्सव समिति के द्वारा दांगी मोहल्ला क्षेत्र में श्री राम जी दरबार की महाआरती के बाद भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। महाआरती में पूर्व विधायक बालकृष्ण पाटीदार ने शामिल होकर पूजन अर्चन किया। इसके बाद पूर्व विधायक पाटीदार ने लाठी लहराकर अखाड़ा दल के साथ कर्तव्य भी दिखाए। भव्य स्वरूप में निकली शोभा यात्रा में सनातन धर्म के सभी संगठनों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। शोभा यात्रा में शामिल करीब 5,000 से अधिक युवा गर्जना से करीब 8 घंटे तक शहर गुंजायमान होता रहा। हाथों में भगवा ध्वज लिए युवा श्री राम दरबार के साथ ही 10 नैना भी राम झांकियां, 12 डीजे, 2 नगाड़ा पार्टी के कारवा के साथ निकली शोभा यात्रा में शाम के समय झिलमिलाती विद्युत सज्जा से आकर्षण का केंद्र रहा। वहीं इस बार मुस्लिम समाजजनों ने भी तालाब चौक में स्वागत मंच लगाकर शोभा यात्रा का स्वागत कर सामाजिक सौहार्द का परिचय दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, खरगोन। देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।